अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, ये लैपटॉप पता नहीं हैंग होना शुरू हो गया, पता नहीं चेक करो, ये कैमरे वाले बंद स्टार्ट हो चुके हैं, सलेक्शन वाले चेक करो भाई साहब, हर तरह बैनर ही बैनर लगे हुए हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, शुक्रिया। देख लो क्योंकि भाई साहब आज वर्दी वगैरह पहनी, यूनिफॉर्म पहना है, काफी दिनों के बाद वर्दी में व्लॉग शुरू किया है, इसका मतलब मैं अभी स्कूल से वापस आया हूँ। और पीछे आप देख रहे हो गए, जब मैंने आपको दिखाया भी था कि हमारे अंदर कैबिन वगैरह बने हैं, एक शीट थी मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की जो शीट है ना, इस तरह की पहले भी थी यहाँ पर, लेकिन अभी गैप होगी। इसका मतलब ये है कि भाई साहब अंदर कैबिन बनने हमारे स्टार्ट हो चुके हैं फाइनली। कैबिन अंदर स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़े से बन गए, मैं तो स्कूल गया था, पीछे से आए भाई साहब बनाने वाले, उन्होंने बनाने स्टार्ट भी कर दिए हैं। कराओ भाई साहब, सूफी भी अभी स्कूल से वापस आया, और आपने लैपटॉप देखा होगा, मैंने इससे पीछे वाले व्लॉग में भी भाई साहब ऐसा हमें दिया था कि एडिटिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन मैं जो ये व्लॉग शूट करता हूँ ना, ये मैं करता हूँ 4K पर, पता नहीं अब क्या मसला बना, मुझे तो कहीं पता नहीं। जब मैंने इसमें अपना डाटा ट्रांसफर किया ना, क्लिप सारी एडिट करने के लिए, तो भाई साहब ये लैपटॉप पता नहीं हैंग होना शुरू हो गया, पता नहीं वीडियो सारी क्लिप पड़ रहे थे, अच्छी तरह नीचे चल रहे। फिर अभी देखते हैं सूफी साहब क्या करता है। ये देखो अपना, पहले हम करते थे जो इसमें पहले सॉफ्टवेयर था ना, वो भाई साहब ये जो जिस पर ऐसे एडिटिंग करता था प्रीमियर प्रो, अभी हम कर रहे हैं कैपकट। फ़ोन पर भी मैं कैपकट भी पर एडिट करता था, लैपटॉप में भी कैपकट अब करने लगे हैं, फिर देखेंगे शायद कैपकट पर सही हो ही जाए, शायद ना आ रहे क्लिप वगैरह हमारे। फिर अंदर जाकर देखते भी हैं कि कितने के कैमरे बन गए हैं, कितने रहने वाले हैं, और कितना टाइम लगेगा कैमरे हमारे बनने में, कितने स्टार रेडी होने में। तो जब पैसे में बाहर भी आ चुका, चेक करो ये कैमरे हमारे बनने स्टार्ट हो चुके हैं, सलाह बन रहे हैं। अभी सिर्फ एक ये बना थोड़ा सा, और एक ये बना जिसने बनाने ना आदमी, शायद अपने कोई काम वगैरह कोई सामान कम पड़ गया तो वो लेने गया है, और ये थोड़ा सामान भी और है। फिर सारे कैबिनेट तैयार हो जाएंगे, कटर वगैरह परा सारे बन जाएंगे, फिर वहाँ पर लगेंगे सामने, बिल्कुल पू बचा करके किचन रेडी होगा। अभी हमारे बनाना ना तब तो ना, फिर उससे पूछेंगे भाई साहब कितना टाइम लगना है, कितने दिन लगेंगे कैबिनेट हमारे रेडी होने में। तो सीधा भी आ गया सीधा आती है भाई, सबने पकड़ लिया आते फिजा को। जो बंदा ये कैबिन वगैरह बना रहा है ना किचन की, टेंशन लेनी बंदा अपना ही है, नहीं कोई मसले वाली बात नहीं है। और सामान वगैरह भी थोड़ा सा आ रहा है, लोड होकर सारे रक्षे में आ रहा है, फिर वो भी आता है, वो भी सारा अनलोड करवाएंगे उनसे। और सूफी साहब तुम्हें मैंने कहा था कैपकट करो, तुम क्या कर रहे हो यूट्यूब पर, इसको मैंने कहा कैपकट भाई साहब इंस्टॉल कर दो इस लैपटॉप में, वो तो अकेला ही ज्यादा लैपटॉप यूट्यूब पर भाई साहब सीधे शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए शुरू हो गया है। जल्दी करो, अल्लाह करे भाई साहब जल्दी हो जाए, फिर हमारे क्लिप्स वगैरह ना रहे, क्योंकि जब मोबाइल पर एडिट वगैरह करते हैं थोड़ा सा एडिट होता है, मोबाइल वगैरह हो जाता है बंद, क्योंकि आईफोन के बैटरी का तो आपको पता ही है, फिर कितनी जल्दी मोबाइल बंद हो जाता है। और ये भाई साहब ये चश्मे वगैरह देख रहे हो ना आप, ये ऐसे लेकर आया था रात को हरून के साथ गया था, फिर जब ढूंढना वापस आया ना, मैंने पूछा भाई साहब किस लिए लेकर आए हो, और कहने लगा कि भाई साहब मोबाइल चलाने के लिए लेकर आए हैं। सूफी साहब चेक करो कितना का हो गया है इंस्टॉल, कितना हो गया अभी तकरीबन 494 MB होना है, अभी सिर्फ 139 MB हुआ है, अभी तकरीबन कितना का टाइम लग गया इसको। कह रहा है ये तुम्हारी नेट पर है, कितना नेट बड़ा है, वो हैवी बहुत हैवी में हैवी हमारा नेट है, 100 MB का नेट है, 200 MB का नेट लगवाया हमने भाई साहब। झूठ बोलो बार बार, झूठ बोलो 200 MB का नेट। और देख रहे हो भाई साहब बाल वगैरह भी काफी बड़े हो चुके हैं, स्कूल वाले भी कहते हैं कि बाल कटवा लो बाल कटवा लो बाल कटवा लो, घर वाले भी कहते हैं, मामा भी कहते हैं बाल कटवा लेते हैं, मामा सीधे सिर से सारे बाल डाल देने हैं। फिर सूफी के देखो काफी सारे बाल बड़े हो चुके हैं, सूफी तेरे मोहल्ले से नहीं कोई नहीं नहीं, फिर अब देखेंगे शाम को देखेंगे बाल वगैरह कटवाने जाने हैं नहीं, क्योंकि भाई साहब इतनी मुश्किल से बाल बड़े हुए हैं, अब इतनी जल्दी ना कटवाने हैं, को जरा सबर करो। पूजा सूफी साहब बाल कटवाने हैं कि नहीं भाई जल्दी, मेरा नहीं मूड है बाल कटवाने। सूफी कह रहा मेरा कोई मूड नहीं है बाल कटवाने का, मैंने स्कूल से पूछा था कि बाल कटवाने जाने हैं कि नहीं, आपसे मुझे बुला के कहता, कह रहा है अभी मेरा कोई मूड नहीं है बाल कटवाने का, क्योंकि अभी कल ही मैं आया हूँ जाकर, अब कब ना आना है भाई साहब अगली ईद पर। नहीं अगली तो अगली वीडियो ते आना है। कौन है ये लोग,
आए कह रहा अगली तो अगली वड्डी तो नावे अभी देखते हैं फिर शाम को बाल बड़े कटवाने हैं जल्दी से ये कपड़े वगैरह भी चेंज करते हैं वर्दी फिर देखते हैं क्या करना है कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए खाना वगैरह खाकर बाहर बैठा हूँ आकर जो आदमी मैंने बोला आ रहा है शीट्स वगैरह जो कम पड़ गई थी उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ बाहर बैठकर और टाइम पर बाहर आ गया चुपके भी हम लोग बैठा हुआ है आज धूप अच्छी खासी निकली हुई है तू सेक रहे हैं बैठ कर आज भी कल भी निकली थी आज भी निकली गई है और एक्शन वाले से चेक करो भाई साहब हाथ तरफ बैनर ही बैनर लगे हुए हैं अंदर आदमी भी आ गया और चाचू मारे आ गए जो हमारे बना रहे ना कैबिन वगैरह उनसे पूछते हैं जाके कितना टाइम लगेगा अच्छा कितना टाइम लगेगा सारा बना दे भाई साहब 15 दिन कोई नहीं लगने वो तो चाचू वैसे मजाक में कह रहे थे मैंने पूछा जब दबाना वो कह रहे थे तकरीबन आज या कल से करिए या परसों जी सारा किचन आपका रेडी हो जाएगा फिर यार देखते हैं सॉफ्टवेयर भी होगा कि नहीं कैप कट तो जी देखो भाई साहब मैंने आपको पहले ही कहा था लैपटॉप ऐसा रखा देखो आईडी पर भी ऐसा नहीं लिखा आता है क्योंकि लैपटॉप भी उसका वही करो अंडर ये आ गया कैप कट हो गया जी हमारा इंस्टॉल ओए चेक करो फैन इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर चला कर देखते हैं शायद क्लिप हमारे वो जो हैंग होते हैं वो होते हैं नहीं दबाना से दिखाता हूँ कि क्लिप कैसे करते हैं कैसे हैंग होते हैं ना दिखाता हूँ मसला आपको ये हो गया जी कैप कट हमारा ऑन इसको गोटिट करते हैं इसको फिर यहाँ से बंद ही करते हैं ओए हो जा बंद ठीक हो गया फिर ये न्यू प्रोजेक्ट पर करते हैं क्लिक ओए हो गया ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट ऑन हो गया कैप कट देखते हैं हमारे क्लिप सही तरह बस हो जाए और कोई टेंशन नहीं है नेक्स्ट हमें वो दे रहा है भैया हमें ट्यूटोरियल दे गया दे रहा है हमें भैया हमें आता है चलाना फुल हम प्रो प्लेयर है सॉफ्टवेयर किसके आर यू कॉमेडी मी सूफी आ गया सूफी था बाढ़ का हो गया फिर डाउनलोड कैप कट चेक करें फिर एक बार तक क्लिप उसमें डालते फिर देखते हैं भाई साहब क्या होता है ये क्लिप गया इसके भाई साहब सीधा इंपोर्ट के अंदर ठीक हो गया ये देखना अब यहाँ से ये क्लिप आ गया अब देखते हैं हैंग होता है कि नहीं क्लिप मना हटता है कि नहीं ये देखो सारा हैंग हो रहा है ना ये पता नहीं लैपटॉप में कोई मसला है यहाँ पता नहीं क्या मसला है ये देखो ऐसे ही हो रहा है भाई साहब अब देखते हैं क्या मसला बनता है क्या करना पड़ता है इसका अब टाइम देखो भाई साहब 3:08 हो चुके हैं 2 बजे स्कूल से ऐसे अब 3 बजे ट्यूशन चलते हैं फिर आकर देखेंगे कितना ज़्यादा काम हो चुका है अब सीधा चलते हैं ट्यूशन वापस आकर देखते हैं है तो भी भाई साहब ट्यूशन से भी वापस आया हूँ 3 बजे के हम ट्यूशन गए थे तकरीबन अभी 7 बज गए हैं 7:15 हो गए हैं 4 घंटे हम ट्यूशन में पढ़ते थे क्योंकि अब भाई साहब पेपर आने वाले इसलिए ट्यूशन से छुट्टी थोड़ा सा लेट होती है यहाँ पर देखो सारी शीटें गायब हो चुकी हैं अंदर चले गई हैं किचन वगैरह बन रहा था ना जो कैबिन अभी बाहर जाकर आपको अपडेट देते हैं किचन के कितना का रहेगा या कितना बन गया और ये देखो भाई साहब यहाँ पर ये जो शीट्स वगैरह मैंने आपको बताई थी ना आगे वो जानने और लकड़ी फिर बाद में बात करते हैं जानने हो गया फिर आपको बताता था जो मैं आपको बता रहा था ये देखो ये शीट्स वगैरह हैं जो तो पहले मैं आपको बता रहा था ना कि जो थोड़ी सी कम पड़ गई हैं वो लेने के लिए आ रहे हैं मैं ट्यूशन चले गया था पीछे से वो आ गए भाई आए थे वो तो आकर चले गए यहाँ पर और यहाँ पर पड़े हैं जी कैबिन वगैरह जो दोपहर को बनाने थे चाचू मारे जो आए थे वो कैबिन वगैरह बना कर चलेंगे थोड़े से बने अभी अभी तो बहुत सारा काम बाकी है अभी तो वो भी बनी है चिमनी वगैरह भी बनी है जो ऊपर लगानी जो धुआं निकलता है भाई वो भी अभी बनने के लिए बाकी है ये कील वगैरह सारा सामान में यहाँ पर छोड़ के चलेंगे सुबह को आएंगे फिर दोबारा से काम अपना कंटिन्यू करेंगे ये भी पड़ा है और फाइनल फैसला हो चुका है भाई मैं बाल भी कटवाने जाऊँगा फिर थोड़ी देर बाल कटवाने के लिए भी निकलते हैं मकड़ी देखो कितनी बड़ी है मकड़ी आ गई यहाँ पर यहाँ ट्यूशन से आई है सुबह अभी अभी यस आपकी पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं यस कब पेपर है आपके 3 तारीख को है 3 तारीख को पेपर है फिर पढ़ा करो ठीक है और ये क्या खा रही पापड़ खा रही क्या खा रही ओए मोला जट हर तरफ ही मशहूर हो गया है पापड़ पर मोला जट आ गया अब निकल सीधा बाल कटवाने के लिए अभी एमओ के पास भी आया उससे पूछने के लिए कि आपने बाल कटवाने के लिए और आप साहब बाल कटवाने के लिए एमओ साहब मैं तो बाल कटवाने के लिए जा रहा हूं आपने कटवाने के नहीं अभी बाल कटिंग वगैरह जो आपके सारे बड़े हुए हैं बाल कटवाने हैं कि नहीं फिर जल्दी बताओ मैंने जाना लेट हो रहा हूं मैं अबे साले ठंडी जुकते चुस्सा छड़दा अब मैं जाता हूँ बाल कटवाने के लेट होना अभी फाइनल फैसला हो चुका है अहमद बाल कटवाने भी जाना है फिर बाल कटवाने चलो फिर निकले सीधा शो पर जाकर आपको मिलते हैं जहाँ से बाल
भाई साहब बाल पाके घर पहुँच चुके हैं, किसी ना कम था ना सारे बालों का भाई साहब उसने बेला गड़क कर दिया है। बुरा लगता है भाई आप ऊपर से कह रहा कोई नहीं चलो भाई साहब खैर अब बाल वगैरह आ ही जाएंगे, अभी नहाते हैं फिर कपड़े वगैरह भी चेंज करेंगे, फिर आज के लोग करते हैं यही ब्रांड। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।